डियर स्टूडेंट्स, मैं आज आपको यहाँ पर इलेक्ट्रिकल जो ब्रांच है उसका EE 305 जो सब्जेक्ट है कंट्रोल सिस्टम, उसका रिवीजन स्टार्ट कर रहा हूँ। क्योंकि आप घर पे रहकर इस सब्जेक्ट को जो बहुत स्कोरिंग भी है और अच्छे मार्क्स भी आप उसमें ला सकते हैं, तो वो सब्जेक्ट है कंट्रोल सिस्टम। ओके, तो हम कंट्रोल सिस्टम को रिवीजन के तौर पे स्टार्ट करेंगे। देखिए, कंट्रोल सिस्टम के दो पार्ट्स हैं, ठीक है। पहला आपका है ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम है और सेकंड है क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम है। अब देखिए, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम में यहां पर आपका सिस्टम है, कोई भी सिस्टम है, जैसे फैन हो सकता है, एक रूम हो सकता है, कॉलेज हो सकता है, और एक इंडस्ट्री हो सकती है, और पूरा देश भी हो सकता है। इस सिस्टम को हम हमेशा यहां पर इनपुट देते हैं और इस सिस्टम से हमें हमेशा आउटपुट मिलता है। ओके, और ये सारा जो कंट्रोल सिस्टम है इनिशियल स्टेज पर टाइम डोमेन में चलता है। किसमें चलता है? टाइम डोमेन में चलता है। तो इनपुट के हम हमेशा रेफरेंस और स्टैंडर्ड वैल्यू देते हैं। जैसे फैन को चलने के लिए 230 वोल्ट चाहिए, ठीक है, तो हमने यहां पर उसको रेफरेंस इनपुट दे दिया। और ये जो आउटपुट है ये हमेशा कंट्रोल्ड आउटपुट होना चाहिए। तो रेफरेंस इनपुट को आर, और यहां से लिया हमने स्मॉल आर टी, और कंट्रोल आउटपुट को हमने टाइम डोमेन में ले लिया सीटी। तो ये हमारा ओपन लूप का क्लोज हो गया। ओके, इसी तरह से जब हम क्लोज लूप में करेंगे तो देखिए, ये आपका सिस्टम है। इस सिस्टम को कभी कभी हम प्लांट भी कहते हैं, ठीक है। इस प्लांट का ये आपका आउटपुट है सीटी, और ये आपका है रेफरेंस इनपुट आरटी। ओके, अब हमें क्या करना होता है कि इसमें कंटिन्यूअस हमें चेक करना पड़ता है कि जो मुझे आउटपुट चाहिए वो मुझे मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। ओके, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, आउटपुट साइड पर एक फीडबैक एलिमेंट लगाते हैं। क्या लगाते हैं हम यहां पर? फीडबैक लगा देते हैं। और इस फीडबैक से जो आउटपुट है सीटी वो इस फीडबैक को देते हैं, और फीडबैक से यहां पर हम एक समिंग पॉइंट लगा देते हैं, और समिंग पॉइंट पर ये दूसरा इनपुट दे देता है नेगेटिव फीडबैक या पॉजिटिव फीडबैक से। फीडबैक वगैरह सब आपने रेगुलर क्लासों में पढ़ा है, इसलिए मैं यहां पर सिर्फ फीडबैक वर्ड यूज कर रहा हूं। देखिए, ये आपका आरटी हो गया, ये आपका सीटी हो गया, और जो यहां पर आपको मिलेगा वो है फीडबैक सिग्नल, दैट इज बीटी। क्लियर? इस बीटी और आरटी इस जो समिंग पॉइंट में से जाएगा तो इसका जो रिजल्ट मिलेगा वो मुझे मिलेगा एरर सिग्नल ईटी। क्या मिलेगा? एरर सिग्नल। एरर सिग्नल इनपुट और फीडबैक जो सिग्नल है उन दोनों का समेशन होता है। प्लस से प्लस करेंगे, माइनस है तो माइनस करेंगे। ओके, ये पूरा हमारा फीडबैक सिस्टम हो गया। तो देखिए, कंट्रोल सिस्टम ओपन लूप भी होता है, क्लोज लूप होता है। ओपन लूप में बहुत सिंपल सा सिस्टम होता है, सिस्टम में रेफरेंस इनपुट देते हैं और कंट्रोल आउटपुट देते हैं। क्लियर? ओके, क्लोज लूप में हम सिस्टम में देते हैं रेफरेंस इनपुट और आउटपुट लेते हैं, आउटपुट को फीडबैक देते हैं, और ये जो समिंग पॉइंट है जिसको नॉर्मली हम फिजिक्स में एरर सिग्नल भी कहते हैं, तो ये इन दोनों का एरर देता है और ये सिस्टम उस एरर को कंटिन्यूसली डिक्रीज करता है। तो ये हमारा ओपन लूप और क्लोज लूप सिस्टम हो जाता है। इसमें देखिए, बहुत सिंपल सिस्टम है और इसमें है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है। इसमें इस पॉइंट को समिंग पॉइंट कहते हैं, और इस पॉइंट को, ये जो है आपका, इसको बोलते हैं टेक ऑफ पॉइंट। क्या बोलते हैं? टेक ऑफ पॉइंट बोलते हैं। और इन दोनों के बेस पर अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज द ट्रांसफर फंक्शन। क्या बोलते हैं? ट्रांसफर फंक्शन। ट्रांसफर फंक्शन को हम हिंदी में अंतरण फलन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतरण फलन भी कहते हैं। बहुत सिंपल सा ट्रांसफर फंक्शन जो है वो टी, और लाप्लास फॉर्म में उसको हम टी एस से लिखते हैं। तो ये कहता है कि जो भी ट्रांसफर फंक्शन है दैट इज इक्वल टू लाप्लास ट्रांसफॉर्म, एलटी मीन्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट एंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट। ओके, तो ट्रांसफर फंक्शन इज द रेशियो ऑफ, अनुपात होता है रेशियो ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट अपॉन लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट। क्लियर? इन दोनों का रेशियो। बट ये ध्यान रखना है कि इसमें जो सारी इनिशियल कंडीशंस है, ऑल इनिशियल
conditions are zero. ठीक है, जितने भी हमारे यहाँ इनिशियल कंडीशंस है, जैसे कैपेसिटर में आपका वोल्टेज चार्ज होता है, इंडक्टर में आपकी एनर्जी स्टोर होती है, वो सारे इनिशियल पे आपके जीरो होना चाहिए. दिस इज द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ इतना. ओके, सो टीएस इज इक्वल टू लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट. तो लाप्लास ऑफ आउटपुट इज सी टी, लाप्लास ऑफ आउट इनपुट. ओके, एंड दिस लाप्लास ऑफ आउटपुट इज रिटर्न एज सी एस and this is written as Rs. So transfer function is ratio of Laplace of output and Laplace of input. Clear it? Okay. So this is the transfer function of. Now first transfer function of open loop. Transfer function of open loop system. Okay. Now here we put a system reference input output RT or control output CT. क्लियर. और ये जो है आपका सिस्टम, यहां हमें हमेशा कुछ गेन होता है, इसलिए गेन को हमने जीटी से लिख दिया है. अब इसका लाप्लास ले लेंगे तो आरएस, और इसका जो लाप्लास है वो जीएस, और इसका जो लाप्लास है वो आपका है सीएस. क्लियर. अब देखिए यहां जो सिस्टम का जो आपका वैल्यू है दैट इज जीएस, इसको इनपुट दिया हमने आरएस, इन दोनों का मल्टीपल होके हमें जीएस मिलता है, सीएस मिलता है, दैट इज इक्वल टू जीएस इनटू आरएस. अब देखो इस सीएस और इक्वल टू जीएस आरएस में से मैं सीएस अपॉन आरएस, क्या सीएस अपॉन आरएस की वैल्यू निकालता हूं. तो सीएस अपॉन आरएस की वैल्यू निकालता हूं, तो देखो आरएस नीचे आ गया तो बचा जीएस. तो दिस इज द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ ओपन लूप. ट्रांसफर फंक्शन ऑफ ओपन लूप. तो ट्रांसफर फंक्शन हमने ओपन लूप का निकाल दिया. अब हम आते हैं सेकंड, ट्रांसफर फंक्शन ऑफ क्लोज लूप. ट्रांसफर फंक्शन ऑफ क्लोज लूप का करना है, हम वही डायग्राम बनाएंगे जो हमने यहां से लिया था. ये आपका समिंग पॉइंट है, देखो इसको समिंग पॉइंट भी कहते हैं, एरर डिटेक्टर भी कहते हैं आपके पास वैल्यू. और ये मेरा जीएस हो गया, और ये मेरा आउटपुट सीएस, रेफरेंस इनपुट आरएस, और यहां जो एरर सिग्नल था, यहां देखिए ये जो एरर सिग्नल है ईटी, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म हो जाएगा ईएस. ठीक है, अब यहां से हमने आउटपुट निकाला, और यहां पर फीडबैक एलिमेंट जिसका ट्रांसफर फंक्शन एचएस से डिनोट करते हैं, तो वो एचएस दे दिया. और फिर हमने यहां पर इसका जो आउटपुट है, देखो यहां से ये जो आउटपुट था वो इसका इनपुट हो जाएगा, इसका और इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो यहां पर आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू बीएस. बीएस यहां पे देखो बीटी फीडबैक सिग्नल है टाइम में, और ये बीएस है आपका लाप्लास में. और यहां पर ये वैल्यू हमेशा एड फॉर्म में एड होगी, और यहां पर नेगेटिव या पॉजिटिव जो सवालों में दिया जाएगा वो हम उसको यूज करेंगे, नेगेटिव और पॉजिटिव में. अगर यहां पॉजिटिव है तो ये एरर सिग्नल इन दोनों का पॉजिटिव और नेगेटिव को यूज करेगा, अगर ये पॉजिटिव है तो ये सिग्नल आरएस का पॉजिटिव और बीएस के पॉजिटिव को यूज करेगा. अब हमें इस पूरे क्लोज लूप का क्या निकालना है, ध्यान से देखिए, ये वही ब्लॉक डायग्राम है जो हमने यहां पर सिंपल फॉर्म में लिखा था. ओके, अब हमें क्या करना है, इसका ट्रांसफर फंक्शन निकालना है. ओके, तो सबसे पहले देखो ये जो प्लांट है, इस प्लांट की वैल्यू कितनी है जीएस, और इसका इनपुट कितना है ईएस, और इसका आउटपुट है सीएस. तो पहली चीज हम निकालेंगे आउटपुट ऑफ प्लांट. प्लांट को क्या नाम दिया था, एक और सिस्टम भी दिया था. तो आउटपुट है आपका सीएस, प्लांट की वैल्यू कितनी है जीएस, और प्लांट का इनपुट है आपका ईएस, और ये इक्वेशन नंबर वन हो गया. ठीक है, इसके बाद देखो ये जो फीडबैक एलिमेंट है इसका आउटपुट निकालेंगे, आउटपुट ऑफ फीडबैक एलिमेंट. देखो इसका जो आउट प्लांट की वैल्यू जो है वो एचएस, इसका आउटपुट है बीएस, और इसका इनपुट है एचसीएस. तो आउटपुट बीएस इक्वल टू प्लांट या फीडबैक की वैल्यू एचएस, और इसका इनपुट है सीएस, ये इक्वेशन नंबर टू. तीसरा देखिए, प्लांट हो गया,
फीडबैक एलिमेंट हो गया, अब बचा है समिंग पॉइंट। अब हम निकालेंगे समिंग पॉइंट का आउटपुट, आउटपुट ऑफ समिंग पॉइंट, समिंग पॉइंट इक्वल टू, इसमें देखो दो इनपुट है, एक आरएस और एक बीएस, बीएस में नेगेटिव या पॉजिटिव कुछ भी यूज कर सकते हैं, और आउटपुट है सीएस। तो आउटपुट ईएस इज इक्वल टू आरएस माइनस बीएस, और ये हमारी इक्वेशन नंबर तीन। अब हमें इन तीनों को सोल्व करके मुझे फाइनल सीएस अपॉन आरएस निकालना है। तो यहां देखिए, यूज इक्वेशन टू इन इक्वेशन थ्री, थ्री में बीएस है और सेकंड में बीएस की ये पूरी वैल्यू है, इस बीएस की ये वैल्यू मैं यहां सब्स्टिट्यूट करूंगा, देन थर्ड इक्वेशन बिकम्स ईएस इक्वल टू आरएस माइनस एचएस इनटू सीएस, दिस इज द इक्वेशन नंबर फोर। अब ये जो ईएस की वैल्यू आई है इसको इक्वेशन नंबर वन में पुट करेंगे, यूज इक्वेशन फोर इन इक्वेशन वन, देन सी एस इक्वल टू जी एस इंटू ब्रैकेट में लिखेंगे आर एस माइनस एच एस इंटू सी एस, ब्रैकेट को ओपन करना है, सी एस इक्वल टू जी एस इंटू आर एस माइनस जी एस, ध्यान से देखिए जी एस इंटू एच एस इंटू सी एस। अब ये वैल्यू भी सी एस है और लेफ्ट में भी सी एस है, तो मैंने इस पूरी माइनस वैल्यू को लेफ्ट में शिफ्ट कर दिया, तो सी एस प्लस जी एस इंटू एच एस इंटू सी एस इक्वल टू राइट साइड में कितना बचा है, जी एस इंटू आर एस। अब देखिए इसमें से कॉमन सी एस वन, सी एस कॉमन तो वन बचा, वन प्लस जी एस इंटू एच एस और सी एस कॉमन हो गया, राइट साइड में जो है एज इट इज लिख दो जी एस इंटू आर एस। तो ये हमारा ट्रांसफर फंक्शन कंप्लीट होने आया, सी एस और इधर से आर एस, इसको इधर शिफ्ट कर लीजिए लेफ्ट में और ये पूरी ब्रैकेट की वैल्यू को राइट में, तो हमारा फाइनल आंसर सी एस अपॉन आर एस इक्वल टू जी एस अपॉन वन प्लस जी एस इंटू एच एस। ये हमारा कंप्लीट ट्रांसफर फंक्शन ऑफ क्लोज लूप। अब एक चीज ध्यान रखिए, ये नेगेटिव फीडबैक है तो यहां आपका आंसर क्या आया, पॉजिटिव, और अगर ये पॉजिटिव यूज करते हो तो यहां नेगेटिव आएगा। और साथ साथ में कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, ये जो एच एस है जिसको हम क्या नाम दे रहे हैं फीडबैक, अगर इसकी वैल्यू यूनिटी हो, यूनिटी वैल्यू यानी इकाई वन हो, तो एच एस की वैल्यू को वन पुट कर देंगे इस इक्वेशन में और तो हमारे पास वैल्यूज आ जाएगी। तो इस तरह से यहां पर देखो ओपन लूप ऑफ ट्रांसफर फंक्शन ऑफ ओपन लूप जी एस की वैल्यू आई, ठीक है, और यहां पर क्लोज लूप की वैल्यू आई, वो आएगी हमारे पास सी एस अपॉन आर एस, सी एस अपॉन वन प्लस माइनस जी एस इंटू एच एस। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट।